कंगना रनौत कर रही हैं प्लांटेशन और इस स्टेप से काफी खुश हैं। बता रही हैं कि 20 ट्रीज उन्होंने प्लांट किए हैं और क्यों किए हैं, क्या है उनका मकसद, वो भी सब कुछ दर्शाते हुए नजर आ रही हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल ये चीज कंगना पहले भी बोल चुकी हैं दैट हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या मिला, व्हाई डोंट वी थिंक कि हमने इस कंट्री को या हमने इन्वायरमेंट को क्या दिया है। नाउ दैट शी हैज प्लांटेड 20 ट्रीज, शी इज टेलिंग कि किस तरीके से साइक्लोन जब आया था टॉक्टे, सो इट डिस्ट्रक्टेड अ लॉट ऑफ ट्रीज। कई सारे ट्रीज अपरूट हो गए थे मुंबई में। अकॉर्डिंग टू हर 70% ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड इन मुंबई। 50,000 से ज्यादा पेड़ जो थे गुजरात में तहस नहस हो गए थे, और ये सारे पेड़ शायद रिप्लेनिश भी नहीं होंगे, शायद जो है दोबारा लगाए भी नहीं जाएंगे। और हम लोग ने एक तरीके से इन्वायरमेंट को और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग इट। तो यहाँ पर कंगना ये बोलती हुई नजर आती है, अगेन शी रिक्वेस्ट बीएमसी यानी कि मुंबई में और गुजरात टूरिज्म को टैग करते हुए बोलती हुई नजर आती है कि भाई जो भी पेड़ उखड़े हैं या जो भी पेड़ तहस नहस हुए हैं साइक्लोन में, प्लीज रीबिल्ड देम, प्लीज पीपल के, बरगद के, नीम के ये पेड़ लगाकर दोबारा से इन्वायरमेंट को खूब सारी प्रॉपर्टीज वापस दीजिए, चाहे फिर वो ऑक्सीजनल प्रॉपर्टीज हो या फिर ये ट्रीज जो होती है दीज आर यूज फॉर यू नो मेडिसिनल पर्पसेस। तो हम लोग एक तरीके से इन्वायरमेंट को काफी कुछ वापस दे रहे हैं, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अलॉन्ग विद द सिटीजन्स ऑफ दीज स्टेट्स। तो ऐसे में कंगना एक काफी अच्छा कदम उठा रही हैं। इस कदम को लेकर आप लोगों को क्या कहना है जरूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुँचाते रहेंगे।